दोस्तों आज हम बुलंदशहर जा रहे हैं। आज पीएसएल कंपनी और चीट फंड जितनी भी कंपनी सभी की आज मीटिंग है बुलंदशहर में, तो देखते हैं क्या होता है वहाँ चलकर। तो दोस्तों जिस कंपनी में सभी के पैसे फंसे हुए हैं सारी कंपनियाँ, तो उसके बारे में आज मीटिंग है। काफ़ी टाइम से चल रहा है तो अब देखते हैं वहाँ के क्या होता है। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको बुलंदशहर चल के डीएम ऑफिस पर। रुक जाइए अभी तनक निकलन दियो, माताओं बहनों निकलन दियो तनक निकलन दे मैं
साथ खड़ा नहीं होगा। एसओजी टीम उसको घर से ठोकर मार के उठा के लाएगी और जेल में बंद करेगी, ये ध्यान रख लेना आप। कोई उसको दुनिया में बचाने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, जितने भी सीनियर यहाँ पर हैं या थे, सभी लोग पब्लिक का पैसा दिलाने के लिए सामने आए और उनका जो फर्ज है उनको बताएं कि ये फार्म आप भरिए और फलानी विंडो में जाकर के जमा कराइए। अगर इतना काम वो करेंगे तो उनके साथ कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। आज तक हमारे संज्ञान में 134 केस ऐसे आए हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए और वो जेल चले गए। 134 मुकदमों में से हम लोगों ने आज तक 37 मुकदमों में एफआईआर लगवा दी है और 37 लोगों को बाहर करवा दिया है। बाकी जो बचे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी छुड़वाने का काम करेंगे। मगर उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर वो नहीं निभाएंगे तो हम उनका साथ देने वाले नहीं है। इस बात के लिए अगर आप लोग राजी हैं तो एक बार उन सोई हुई आत्मा के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हमें अपना फर्ज निभाना है। जिस व्यक्ति का पैसा हमने लगवाया है उस व्यक्ति तक हमें वो फॉरम पहुंचाना है जिस फॉरम को आज भारत सरकार मांग रही है। ये काम हमारे कार्यकर्ता का है। दुनिया में ऐसा एक भी निवेशक ना बचे जो कलेक्ट्रेट में आकर के फॉरम जमा न करे। और जिस दिन आप कलेक्ट्रेट को खुल कर दोगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि सोमवार से जब उन्होंने बोला है तो सोमवार को इतनी भीड़ कलेक्ट्रेट में कर दो कि मंगलवार को हमारे पास फोन जाके भाई साहब तहसील लेवल पर जमा कराओ आप जिले को। पैर रखने के लिए जगह नहीं मिले इस तहसील के अंदर। ये सब आप करने वाले हैं, आप करेंगे। पूरे हमको पूरा भारत पर घूमना है, हम बार बार आपके बीच में नहीं आ सकते। और जो लोग ये काम करेंगे, आपकी कमेटी जो काम करेगी, हम उसके संपर्क में रहेंगे और उसका पूरा साथ पूरा काम करेंगे। जब आपके आवेदन हो जाए, कोशिश करना कि फरवरी लास्ट तक आप अपने आवेदन जमा करा दें। आप मार्च के लिए इंतजार मत करना, फरवरी तक आप लोग अपने आवेदन करा लें। और जब हम लोग यहाँ से डाटा मांगे तो वो डाटा लाखों की संख्या में होना चाहिए, हजारों की संख्या में नहीं। जब लाखों की संख्या में डाटा यहाँ पर हमको मिलेगा तो एक प्रावधान में आज आपको बता के जा रहा हूं, उस प्रावधान को दिमाग में बिठा लेना सभी लोग। भारत सरकार का एक कानून ऐसा है कि किसी भी समस्या को लेकर के अगर एक जिले में 1,00,000 कंप्लेंट से ज्यादा अगर दर्ज हो जाएंगी, भैया बात मत करो, हेलो, कितनी अहम बात आपको बताई जा रही है, आप लोग कौन समझे बड़े। भारत सरकार का एक कानून ऐसा है जिस समस्या से एक जिले में 1,00,000 कंप्लेंट अगर दर्ज हो जाएंगी तो वो समस्या दैवीय आपदा में बदल दी जाएगी। और जिस दिन आपकी 1,00,000 कंप्लेंट जमा हो जाएंगी उस दिन भारत सरकार को बुलंदशहर के लोगों को अपने खजाने से पैसा देना पड़ेगा, देवी आपदा में बोल सकते। ये है जो जी हो ये है, जी हो ये बात है रही। से निकाल देना का पैसा कहां से आएगा। आपका काम है 1,00,000 कंप्लेंट की बजाय 5,00,000 कंप्लेंट दर्ज कराना। और बुलंदशहर का डाटा हम लोगों ने निकाला है, 16,00,000 लोग बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के पीड़ित हैं कंपनियों से। कितने? 16,00,000। अब 16,00,000 में से अगर आप 1,00,000 की आवेदन नहीं जमा करा पाओ तो फिर मेरी जिम्मेदारी।
बारे में। इसलिए जान लगा देना है और इस चक्कर में नहीं पड़ना है, एक फार्म पे चार चार पॉलिसियों का नंबर डालने नहीं, एक फार्म पे एक कंप्लेंट डालनी है, एक पॉलिसी नंबर डालना है। अगर आपके पास 10 पॉलिसी है तो आपको 10 फार्म भर के दे दें। ये काम आप करेंगे करेंगे करेंगे। अगर आप ये काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके पैसे को रोक ले। आपका पैसा आपके देखे जैसा भारत सरकार ने नवंबर से सारी बात आएगी निकल के बोले तो ना। आपको घर पर खाना खा के आए होंगे, हमने पानी भी नहीं पिया है, हमको पूछिए। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, एक एक क्वेश्चन का जवाब आपका यहाँ पर दिया जाएगा। अगर जो टेक्निकल समस्या है वो आप समझ लो पहले। अगर कोई व्यक्ति इतने पर भी नहीं बात करना बंद करता है तो उठ के यहाँ से चला जाए, हमें उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है। सारी समस्याओं का समाधान आपके बीच में होगा। पॉलिसी धारक मर गए, पॉलिसी धारक का नौकरी मर गया, एजेंट मर गया, सीनियर मर गया, सबका समाधान आपको बता के जाएंगे जब यहां से जाएंगे। हमारी फ्लैट चार्ज किया दिन की नहीं है, सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, सुबह 7 बजे बैठेंगे फिर बेंगलोर पहुंचेंगे, बेंगलोर से बैठेंगे उड़ीसा पहुंचेंगे, उड़ीसा से पहुंचेंगे फिर कहीं पहुंचेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आपके बीच में अगर आए हमसे कुछ लेना है तो ले लो। सुननी बात है, जब हमने ये मुहिम भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चंद लोग थे हम, लेकिन आज जब देखते हैं कि इस तरह से पूरा देश उमड़ रहा है, तमाम कंपनियों पे बोले पंडित जी कि कंपनियों की जो दीवारें थी वो खत्म हो चुकी हैं, कि ये पल्स के हैं या ये सहारा के हैं या KBCL के या कर्मभूमि के या बाइक बोर्ड के या साइंस सिटी के या साइंस प्रकाश के, समृद्धा जीवन के या और बहुत सारी इस तरह की 2 लाख से ज़्यादा टन कंपनीज थी जिन्होंने 20 करोड़ समझा करते थे, आज तक 20 करोड़ थे देश में। लेकिन आज अमरोहा के आधिकारिक आंकड़े आए हैं जो वहाँ की PM ने जारी किए, 7 काउंटर खुले थे अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, पास में ही है आपके, वहाँ अब तक जो है 4 लाख अच्छा 6 लाख ठगी पीड़ितों के आवेदन अमरोहा में अब तक दर्ज हो चुके हैं। जो 7 काउंटर वहाँ खुले हुए थे उन्हें अब कम कर दिया गया है, चूँकि भीड़ कम होने लगी है। देश में एक खिड़की चालू रहेगी वहाँ अमरोहा में, आपके यहाँ तो भी एक भी चालू नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं, यहाँ तो मुझे लग रहा है 3 काउंटर खुलवाने पड़ेंगे बुलंदशहर पर। देश में 700 जिले हैं और अगर हर जिले में हम केवल 5 लाख व्यक्ति मान लें तो 42 करोड़ लोग हो जाते हैं जो ठगी का शिकार हुए हैं किसी न किसी कंपनी का, और 42 करोड़ लोगों का अगर ये बात भी अगर 42 करोड़ का 1% भाग भी फूंक मारते हैं, मिलके पैसा मांगना तो बहुत बड़ी बात है, पैसा मांगोगे तो मतलब सब कुछ मिल जाएगा, घर द्वार मकान सब मिलेगा, पैसा तो मिलेगा ही। अगर 42 करोड़ का 1% लोग फूंक मार दें तो कई सारे नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मायावती, अखिलेश और लेना देना लटर पटर DMS की सब सारे आवाम नजर आएंगे। आप इतनी ताकत होती है 42 करोड़ लोगों की, आपने देखा अपनी ताकत का एहसास के अभी जैसे इतने लोग होंगे, 1000 लोग होंगे बड़ी मुश्किल से, गेट घेर लिया DM का तो आज ही बात माननी पड़ी ना आपकी, 3 महीने से नहीं
सुन रहा था कोई भी, लेकिन आज ही मान लिया इसने। और कहीं सारे के सारे इकट्ठे होके आगे तो क्या होगा, तो उसी दिन भुगतान शुरू करेगा क्या इनका, इनका पैसा दो वापस। ऐसा क्या देने, गौतम जी ने बताया कि पैसे कोई कमी नहीं है सरकार के खातों में, सरकार के पास दुनिया भर का पैसा है, लेकिन समस्या है कि सरकार की नीयत नहीं है, देने की इच्छा शक्ति नहीं है। और सरकार की नीयत इसलिए नहीं थी चूंकि हम बटे हुए थे, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, आज हम एकजुट हो गए। न केवल हमने कंपनी की दीवारों को तोड़ा है, भले देश में 1984 के बाद एक बहुत बुरी परिपाटी शुरू हुई कि देश को जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे, वर्णों के नाम पे, वर्गों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, नस्लों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर बांटने की परिपाटी शुरू हुई 1984 से, और वो अब चरम पर पहुंच चुकी थी। उसका चरमोत्कर्ष आप ठगी पीड़ितों ने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए, आप मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। मैं साउथ में भी जाता हूँ, नॉर्थ में भी जा रहा हूँ, उत्तर सारी जगह जाना पड़ रहा है मुझे। मैं देख रहा हूँ कि ठगी पीड़ितों में तमाम जातियों के लोग हैं, तमाम धर्मों के लोग हैं, तमाम भाषाओं वाले हैं, और सब एकजुट हैं इस बात को लेकर के उनकी मेहनत की जमा पूरी टूट चुकी है, वो उन्हें जल्दी से जल्दी वापस मिलनी चाहिए। तो यदि आपको अपना पैसा वापस चाहिए दोस्तों जल्दी से जल्दी, तो आपको इस संगठन को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। अपने बीच में जो आपके बीच में बेईमान सिस्टम ने दीवारें खड़ी कर दी थी, उन दीवारों को तोड़ना होगा। और इन दीवारों को तोड़कर, जैसा कि गौतम जी ने बताया कि आप सेमीफाइनल में प्रयागराज आ गए तो आपका भुगतान हो जाएगा, 23 मार्च को आप दिल्ली आ गए तमाम लोग तो भी आपका भुगतान हो जाएगा। और मैं समझता हूँ 23 मार्च या 21 फरवरी तो भी दूर है थोड़ा सा, कई जगहों पर जो रफ्तार आपकी जागने की चल रही है वो इतनी तेज। तो दोस्तों अब हम एम्बुलेंसर से आ गए हैं, मदन लाल जी का वो था, मदन लाल जी आए हुए थे वहाँ पर। तो मदन लाल जी ने डीएम ऑफिस में जाकर के बात की डीएम से, डीएम जी से, फिर डीएम ने बोल दिया सोमवार से बुलंदशहर जिले के सारे आवेदन शुरू हो जाएंगे चीट फंड कंपनियों के। तो आप जल्दी से जल्दी बुलंदशहर पहुंचना सोमवार में सभी लोग, और चीट फंड कंपनी के जितने भी आवेदन हैं सभी आवेदन करना, और हर एक आवेदन के साथ एक फॉर्म लगाना, अलग अलग फॉर्म लेके। ठीक है दोस्तों, तो हम ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।